हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ओ हाँ, वो मैं सॉरी, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वो क्या है ना, मेरी मॉम ना बुटीक खोल रही है डिजाइनर कलेक्शन के नाम से। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मॉम ने मुझसे कहा कि तुम ज्वाइन कर लो, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि अगर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? Why not? लेकिन जब तुम काम स्टार्ट करोगी तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड काम के बारे में। ये ऐसे ही होता है। कह तो ठीक रहे हो, और फिर जब तुम जैसा दोस्त होगा तो फिर किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं है। थैंक मैं हूं तुम्हारी मदद के लिए जब भी चाहिए। यू सो मच। कुछ ऑर्डर करिए। हाँ वेटर, राशिद की कॉल। हेलो अमर डार्लिंग, कैसी हो? शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। लेकिन खैर, अब पता तो चल गया है मुझे। अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें अमर, देखना तुम। शुक्र है अमल, शुक्र है कि तुमने मेरा फोन तो उठाया। कान तरस गए थे तुम्हारी आवाज सुनने। अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल या मैसेज किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी, याद रखना। वैसे तुम्हारी धमकियां सुनने को भी मेरे कान तरस गए थे कसम से। छोड़ दो मेरा पीछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कैसे छोड़ दो अमल? हाँ कैसे छोड़ दूं? तुम्हें क्या लगता है, तुमने शादी कर ली है तो जान छूट जाएगी मुझसे? इश्क करता हूं मैं तुमसे, सच्चा इश्क। जब अपने हाथों को देखता हूं ना, तो इन हाथों की लकीरों में तुम्हारा नाम लिखा हुआ नजर आता है। मेरी किस्मत में लिखी हुई हो तुम। अब किस्मत का लिखा मैं कैसे टाल सकता हूं? मेरी बात कान खोल के सुनो। इस बार तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मेरे हस्बैंड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। हस्बैंड? हस्बैंड की धमकी दे रही हो मुझे? चलो अच्छा है, मिलाओ मुझसे, मिलाओ उस मर्द के बच्चे को, मुझसे भी मिलाओ। वो जो भी है तुम्हें जेल जरूर पहुंचाएगा, और इस बार अगर तुम जेल गए ना तो तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का भी इलाज आता है मुझे। मुझे मामा को इन्फॉर्म करना चाहिए कि राशिद जेल से बाहर आ गया। नहीं, मैं मामा को ये सब बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। आखिर मैं कब तक अपनी मामा की परेशानी की वजह बनती रहूंगी? मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे मदद मांगूं? मैं ये पासिल का ड्रामा रोज रोज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। प्रेस में जाने की धमकी दी है उसने। याद रखना, अगर हमारी इज्जत उछलेगी ना तो बचोगे तुम भी नहीं कासिम दाद। हेलो हेलो मॉम, खाना खाया आपने?
मजाक बना के रखा हुआ तुम दोनों ने। हमारे घर का ये तरीका नहीं है। मॉम प्लीज। लेक्चर बाद में, अभी बहुत नींद आई है, यहीं सो जाऊं इस पे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया लेकिन अब मैं थक गई हूँ, मुझे जाके सोना है। चलो रूम में चलते हैं, मुझे जाके सोना है। खुद भी गिरोगी और इसे भी गिराओगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड है, वैसे क्यों गिराऊंगी, टेंशन मत ले, चलो जाइए। अच्छा बाबा मैं तो जा रही हूँ, गुड नाइट। माँ यार मुझे तो लेके जाओ। बानो अमल को बुलाओ, इसे लेकर जाए इसके कमरे में। चले गए संभल के। मैंने कहा ना आप ठीक हूं मैं। राम से जाओ बेबी, आ तो मेरी जबरदस्ती के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता। आज लेट हो गए, मीटिंग कैसी रही? ठीक थी, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे हर हाल में चाहिए। इंशाल्लाह आपको ही मिलेगा। बासिल आपके साथ थे? बासिल नहीं था मीटिंग में, बल्कि जब मीटिंग चल रही थी साहब साथ थे, दिलशाद हाउस में गुंडागर्दी कर रहे थे। जिस बेइज्जती से बचने के लिए अमल को दिलशाद की बहू बनाया, वही बेइज्जती करवाने पे तुले साहब साथ थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की धमकी देकर आए, खानदान की इज्जत उछालने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। हानी उसकी बीवी है, वो उसे लेने तो जाएगा ना? ठीक कह रहे हो, इसलिए हमने फैसला किया है कि आनिया के रिश्ते को जाहिर करने के लिए उन दोनों का एक शादी का इवेंट रखना होगा, जिससे हम सवाल करने वालों से भी बच जाएं और हानिया भी घर आ जाए, वरना बासिल रोज दिलशाद हाउस में जाके तमाशा करेगा, ड्रामा करेगा, और अगर फिर ये दोनों कहीं चले गए तो ये ठीक नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। बासिल से कह देना कि इसी वीक में हम हानिया की शादी का इवेंट रखेंगे, इस दौरान वो दिलशाद हाउस में हानिया से मिलने ना जाए। ठीक है, मैं बासिल से बात करूंगी, आप फिक्र मत करें। अमल से बात हुई तुम्हारी? हमें बहुत खुश है, बता रही थी दिलशाद और सहीन उसका बहुत ख्याल करते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, शायद मैं गलत सोच रही थी, आपका फैसला ठीक था।
आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ।